तो गगन चूमती है करोड़ों की जल मीनारे, मगर प्यास बुझती है पहुंच कर नदी किनारे। धनबाद जिला बागमारा प्रखंड के राजस्व गांव नगदा जैसे 22 गांवों को एक दशक से सपने दिखा रही है पाथरगड़िया जलापूर्ति योजना। करोड़ों की लागत से बनी यह योजना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये से ठप पड़ी हुई है और पानी पानी के लिए तरस रहे हैं 22 गांवों के लोग। ये जो पाथरगड़िया फिल्टर प्लांट है, इसको 2003 में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी शिलान्यास किए थे और हमारे यहाँ इस फिल्टर प्लांट से 22 गांव को पानी देने का प्लांट था और प्लांट लगभग कंप्लीट हो गई थी और पानी का चलना भी स्टार्ट हो गया था। इतने में क्या हुआ, हमारे यहाँ फिल्टर प्लांट जो इंटेक है, नदी में बाढ़ आया था जिसके कारण 2-3 पाइप बह गया, उसके बाद पानी बंद हो गया। पानी बंद होने के बाद हम लोगों ने पीएचडी विभाग से भी जा कर के कहे, नेता से भी कहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। 10-20 हज़ार लागत कॉस्ट के चलते हमारे ये करोड़ों का प्लांट बर्बाद हो गया। हमारे यहाँ के नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम इस प्लांट को चालू कर देंगे। केवल इस प्लांट को अब वोट का एक मुद्दा बना के रख दिया गया है और किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्लांट बंद है और बहुत सरकार का बहुत पैसा इसमें फंसा हुआ है। हम लोगों को पानी का बहुत समस्या है। हम लोगों को बर्तन धोने के लिए बहुत दूर तालाब जाना पड़ता है, वहाँ पर भी गंदा पानी। पीने का पानी हम लोग नदी से लाते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है। वहाँ पर नदी जाने के लिए 2-3 घंटा लग जाता है। नहा कर आते हैं, पानी भरते हैं और लाते हैं, और ऊँचाई से भी उठना पड़ता है, बहुत ऊँचा है। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाई ताकि पर्दा नसीब माँ और बहनों को बेवक्त किसी भी मौसम में घरों से बाहर पानी के लिए जाना न पड़े और करोड़ों की लागत से बनी योजना का लाभ लोगों को मिल सके। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि पीएचडी विभाग धनबाद के स्कूटी इंजीनियर श्री नौरंग सिंह के संपर्क नंबर 9431390310 पर संपर्क कर दबाव बनाएं। मैं हलीमा एजाज, पाथरगड़िया धनबाद झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।